बॉलिंग बाय द वे इतनी बुरी नहीं है, मेरा ख्याल था कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना वो दुनिया में सबसे अच्छी, जो कि है जस्ट अबाउट 0.25 के मार्जिन से इंडिया से हम आगे हैं। अगर हमने पिछले एक डेढ़ साल में कोई 70 आउट किए हैं फास्ट बॉलर्स ने, तो उन्होंने कोई 65 आउट किए हुए, मतलब ज्यादा मार्जिन नहीं, ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो वो ये है कि वो अंडर द रडार चले जाते हैं क्योंकि इतने फैशनेबल फास्ट बॉलर्स नहीं है उनके। हमारे जो है ना वो तेज हैं, हमारे जो हैं वो इम्पॉसिबल मैजिकल बॉल्स करते हैं, जिसकी वजह से, और फिर एक रेपुटेशन है, फिर स्पीड ज्यादा है, मगर अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो उनके फास्ट बॉलर्स कोई खास पीछे नहीं है। अच्छा भाई, जैसे आपने फास्ट बॉलर की बात की, तो शहीन का जो स्पेल है ये कितना डेंटफुल हो सकता है, अगेन जो मेंटली एक ब्लॉक होगा उनके ओपनर्स के ऊपर या नंबर 3-4 के बैटर के लिए भी, ये सारे पेसर और जिस तरह नसीम शाह और हारिस रऊफ खासतौर पर फिर आके वो विकेट्स लेते हैं, ये कितना उनको अफेक्ट कर सकता है? देखिए, एक मैसिव मेंटल ब्लॉक होना चाहिए इंडिया की, एक तरह से जो उन्होंने बॉलिंग की है अप फ्रंट नए बॉल पे, चाहे रोहित शर्मा। देखिए, अगर कप्तान आपका बार बार एक ही एंगल पे आउट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है टेक्निकल इशू भी है, और फिर वो कप्तान है और वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, तो एक तरह से एक्स्ट्रा प्रेशर पूरी टीम पे क्रिएट हो जाता है। अ कैप्टन बीइंग आउट ऑफ फॉर्म कैन बी डिजास्टर्स फॉर द एंटायर डगआउट। ऐसे ही तो उसको तो लीड करना है ना फ्रॉम द फ्रंट, बाय एग्जांपल सेट करनी है टोन। और रोहित शर्मा जो है वो मेरे फेवरेट बल्लेबाज हैं, इसलिए कि वो मैं उनको रोल्स रॉयस ऑफ बैटिंग कहता हूँ। इतना उनमें मतलब एक क्रूज कंट्रोल पे जाते हैं और मजा आता है, जैसे एक्स्ट्रा टाइम है चाय और ये जीरा प्लस खा के वो छक्का मार इतना टाइम है उनके पास। अच्छा, उसमें दो चीजें हैं, एक तो बात हो रही है कि ये शायद शुरू के किसी तरह 7-8-10 ओवर निकालने की कोशिश करें, बॉल पुराना हो जाए फिर अटैक करें। दूसरा ये है कि शायद ये ज्यादा अग्रेसिव आए पाकिस्तानी बॉलर के ऊपर, कि शुरू से इनको सेटल ना होने दे, तो आपके ख्याल में कौन सा मोड ज्यादा बेहतर रहेगा? इन्होंने ठक्का लगा के जिसको कहते हैं रोक रोक के खेला, कुछ फायदा नहीं हुआ। इनको शॉट्स खेलनी पड़ेगी, इनको अटैक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा, इसलिए कि अगर ये खड़े रहे, इनको पता है टेक्निकल इश्यूज हैं, ये मुझे लगता है आज अपने कदमों का इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट पेस रोहित शर्मा और इसी तरह से, क्योंकि ये दोनों लेजी हैं फुटवर्क में अगेंस्ट न्यू बॉल। पहले 4-5 ओवर्स आपके पास सिर्फ एक विंडो है जहां पे इनको आउट कर सकते हैं, एक दफा ये 5 ओवर्स गुजार गए फिर ये मुश्किल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे, तो ये मुझे ऐसा लगता है आज के रोहित शर्मा की जो प्लॉय और स्ट्रेटजी या इनका जो बैटिंग की जो एक जो टेम्पलेट सेट करेंगे वो डिफरेंट होगा, ये अटैक करेंगे। अच्छा, को कैसे देखते हैं आप? काफी ले ऑफ के बाद आ रहे हैं और फ्रंट लाइन भी है इंडियन की, तो आज के मैच देखें, बुमराह के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है क्योंकि ये इंडिया गए थे और ये बेबी सिटिंग करके आए हैं, इनका बच्चा पैदा हुआ है, ये उनके नैपीज बदल के आए हैं, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि थोड़े से ऑफ द बॉयल हो गया अभी भी लगा रहेगा। सर, क्या पता सोच के आए हो कि ये तो हो गया वो करके आता। इंडियन बॉलिंग लाइनअप की वो बुमराह है, ऑब्वियसली देखते हैं आज प्लेइंग 11 का पार्ट रखते हैं या नहीं रखते। बाकी अगर हम बात करें सिराज की, बात करें शामी की, बात करें, तो इनको कैसे रेट करते हैं आप? देखिए, ये बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, इनकी स्पीड भी है, मूवमेंट भी है, ये अब पुराने वाला बॉलिंग अटैक नहीं रहा है भारत का कि जो आप आराम से सो सकते थे सुकून के साथ, आपको पता है कि ना बाउंसर होने हैं और ना ये आउट कर सकेंगे, अब ये आपको ट्रबल करते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ जो सिर्फ प्रॉब्लम भारतीय टीम के साथ ये रही है कि इतने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, शायद इतना टैलेंट है कि इनको समझ नहीं आ रही कि किसको खिलाएंगे, मगर ये सेटल यूनिट नहीं है। और जब सेटल यूनिट नहीं होता तो फिर आपकी नज़रें हर वक्त लगी रहती हैं कि ये आज परफॉर्मेंस करेगा तो अगला मैच खेलेगा, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। और वो उनका एक तरह से राहुल द्रविड़ का जो एक स्टाइल है ना लीडरशिप का या सिलेक्शन का या एज अ कोच, वो यही रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस करते रहे, जिसकी वजह से जो भारत को कई दफा नुकसान हुआ है। अच्छा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो एक तरह से अभी भी देखें फखर जमान को नहीं बदल रहे हैं बाबर, एक तरह से जो सक्सेस है स्टोरी पाकिस्तान की वो ये है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको नहीं फिर छेड़ते, विच इज द वे टू गो। आप ठीक है, टेक्निकल आपकी लिमिटेशंस होती हैं उस विनिंग कॉम्बिनेशन में, मगर जब आप जीत रहे हैं तो होल्ड दैट पोजीशन, ये भारत ने किया नहीं है, जिसकी वजह से एक तरह से सारे सिस्टम में उन्होंने खलबली मचा दी अननेसेसरीली। थोड़ी सर, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आप कोई 3 बैट्समैन ऐसे देख रहे हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं इंडिया के? आपका अच्छा सवाल है। देखिए, विराट कोहली जो है वो ऑब्वियसली थ्रेट हैं किसी भी टीम के लिए, फिर इनके शुभमन गिल अच्छा खेलते हैं, वो ड्यू है उनको रन, फिर हार्दिक पांड्या से मुझे खामखा डर लगता है। अच्छा। क्योंकि होता क्या है कि आपने सब कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, ग्रेट डिलीवरीज के बाद 3-4 आउट कर दिए, विराट कोहली भी आउट हो गया उसमें, और सडनली जो है ना वो
मैच फंस जाता है और ये हमेशा मैच फंसाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्कोर किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, और इस पिछले मैच में कोई तुक नहीं थी कि आप उनको इतनी लंबी इनिंग्स खेलने देते और उन्होंने और बड़े अकलमंदी से खेले बाद हुए वो। इवन लास्ट मैच जो वर्ल्ड कप का हम देखें तो उन्होंने जिस तरह विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप करके मैच हमसे लेके गए, और मेरा ख्याल है रवीत भाई ये सबसे लीथल बैटर अगर कहा जाए इनकी टीम में तो इस टाइम पे तो वही है। बिल्कुल, आई थिंक ये वो नफसियाती एतबार से कह लें स्ट्रॉन्ग है, यू नो टेम्परमेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिस नंबर पे खेलते हैं वैल्यू करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।